हेलो दोस्तों दोस्तों बच्चे ईश्वर की बनाई बहुत ही प्यारी और मासूम क्रिएचर होते हैं। बच्चों के आने के बाद परिवार में हंसी खुशी और प्यार का माहौल रहता है। हर माँ बाप की ये हसरत होती है कि उनके बच्चे हो और एक हंसता खेलता परिवार हो, लेकिन कभी कभी कुछ माँ बाप की लापरवाही और अपने बच्चे पर ध्यान न देने की वजह से बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर और टीवी पर हम ऐसी घटनाओं के समाचार देखते हैं जिनमें माता पिता की लापरवाही से बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डाल ली होती है। कई बार तो बचा लिया जाता है, लेकिन यह काफी दुखद होता है जब उनकी जान नहीं बच पाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सीसीटीवी में रिकॉर्ड कुछ ऐसी ही क्लिप्स दिखाऊंगा जब बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डाली, या तो अपने पेरेंट्स की वजह से या केयर टेकर्स की वजह से। दोस्तों इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि दो बच्चे एक तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इसी बीच एक बच्चा तालाब में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी जब उसके पास कूदता है तो वो भी डूबने लगता है। दोनों में से एक बच्चा थोड़ी देर में स्ट्रगल करने के बाद बेहोश हो जाता है और पानी पर उतराने लगता है, और दूसरा बच्चा अभी भी अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो तालाब में कूद जाता है और उन दोनों को निकालने की कोशिश करता है। एक एक करके जब वो दोनों को निकालता है तब एक बच्चा तो ठीक निकलता है और दूसरा बेहोश है। दोस्तों जब उस बेहोश बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप 2014 की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल होगी एक इंडोर पूल के पास खेल रहा है। लगभग 2 मिनट तक वो पूल के पास ही खेलता रहा। कभी वो पूल की पट्टी पर चढ़ता, कभी पानी को छूने की कोशिश करता, फिर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में जा गिरा। करीब 2 मिनट तक पानी में ही जद्दोजहद करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई आता है और अपनी मदर को इस बात की सूचना देता है। तब जाकर उसकी माँ उसे पानी से बाहर निकालती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। गनीमत रही कि उस बच्चे की जान बच गई। दोस्तों ये तीसरा वीडियो मुंबई का है, जिसमें 3 साल का एक बच्चा अंधेरे में घूमता दिख रहा है। दोस्तों अंधेरे की वजह से कुछ भी ज्यादा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वो बच्चा बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ गया और अचानक उसका पैर एक गटर के मेन होल में चला गया और वो बच्चा सीधा उसके अंदर गिर गया। जब वो बच्चा काफी देर तक घर में नहीं दिखा तो उसके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को चेक किया तब जाकर पता चला कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। दोस्तों गटर में ही फिर उसकी खोजबीन चालू की गई, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उसको ढूंढा नहीं जा पाया। पता नहीं वो बच्चा इस दुनिया में रहा भी होगा या नहीं। दोस्तों चौथे क्लिप की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर दें। दोस्तों चौथी क्लिप जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, यह एक काफी दर्दनाक घटना है जो 2018 में चाइना में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें आप एक बेबी केयर होम देख रहे हैं जहां एक लेडी 2 बच्चों को वाटर टैंक में डाल रही है। इसके साथ ही उस लेडी ने उनकी सुरक्षा के लिए फ्लोटर्स भी उनको पहना रखे हैं। अब वो उन दोनों बच्चों को टैंक में बिठाकर आराम से दूसरे कामों में लग गई, लेकिन तभी छोटा वाला बच्चा अपने फ्लोटर के साथ पलट जाता है और छटपटाने लगता है, लेकिन वो लेडी अभी अपने फोन में बिजी है और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पानी और बच्चों की तरफ, जबकि दिख रहा है कि छोटा वाला बच्चा पानी में किस तरह तड़प रहा है। काफी देर हो गई है बच्चे को पानी में डूबे, अभी भी लेडी अपने फोन में ही बिजी है। तभी बड़ा वाला बच्चा उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, तब जाकर उस लेडी का ध्यान डूबे हुए बच्चे की तरफ जाता है। फिर वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे उस बच्चे को पानी से बाहर निकालती है और उसे बेंच पर लिटाकर सीपीआर देती है और उसे रिवाइव करने की कोशिश करती है। दोस्तों देखा फोन की लत ने किस तरह एक बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। दोस्तों अगला वीडियो भी चाइना का ही है। 2018 में एक बस्ती में 2 बच्चियां एक नाले के किनारे खेल रही हैं। तभी एक बच्ची का पैर फिसल जाता है और वो सीधी नाले में गिर जाती है। दूसरी बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तभी वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय की नजर उस डूबती हुई लड़की पर जाती है और वो नाले में कूदकर उस लड़की को बाहर निकाल लाता है।
दोस्तों ऐसी जगह जहाँ पर नदी नाले आसपास होते हैं, हमें बच्चों पर एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत होती है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चियों के माता पिता को होश भी नहीं कि उनकी बच्चियाँ कहाँ हैं। दोस्तों हम अक्सर इंडिया के लिए सर्विसेज ना होने का शोर करते रहते हैं और अपनी सरकारों को कोसते नजर आते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई इस सीसीटीवी फुटेज में भी हालात लगभग सेम है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि दो बच्चे सड़क पर भरे पानी की तरफ जा रहे हैं, उसमें खेलने की हसरत से, इस चीज से बिल्कुल अनजान कि भला उस पानी से उन्हें क्या खतरा होगा। तभी छोटा बच्चा पानी में डूबे गटर के मेन होल में गिर जाता है, जो उस पानी में दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी वहां से गुजर रहा एक बाइक वाला अपनी बाइक रोककर उसे बाहर निकालने लगता है और दूसरे लोगों को भी मदद के लिए बुलाता है। तब जाकर बच्चे की जान बच पाती है। दोस्तों अगला सीसीटीवी क्लिप 2017 का है, जिसमें शाम के समय एक होटल के स्विमिंग पूल में एक बच्ची खेल रही है। असल में वो समझ नहीं पाती कि वो जिस लो लेवल वाटर पर है, वो आगे जाके डीप वाटर में तब्दील है और वो आगे बढ़ जाती है और गहरे पानी में गिर जाती है। फिर वो मौत से लड़ने के लिए अपने हाथ पैर पटकती है, बहुत कोशिशें करती है, लेकिन अफसोस थोड़ी देर में वो थक कर बेहोश हो जाती है। कुछ मिनट पानी में ही पड़े रहने के बाद उस बच्ची की मदर को होश आता है कि उसकी बच्ची गायब है। वो पूल की तरफ भागती है और यहाँ वहाँ खोजने लगती है, लेकिन वो पूल में नहीं देखती। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं। वो दोनों बच्ची को यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फिर गार्ड वापस पूल के पास खड़ा हो जाता है और उसे ये फील होता है कि पूल में कुछ पड़ा है। गौर से देखने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि ये बच्ची ही है, तो वह दौड़कर जाकर उस बच्ची को निकाल लेता है। दोस्तों उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे देख लिया गया और वो बच गई। दोस्तों बच्चे तो नासमझ होते हैं और अपना अच्छा बुरा नहीं समझते, इसलिए तो उन्हें मासूम कहा जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन पर ध्यान रखा जाए कि वे क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। और अगर ध्यान नहीं रख सकते तो उन सारी चीजों को घर से हटा दें जो बच्चों के लिए खतरा बन सकती है, तब जाकर हम उनको सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।